एवरी वन वेलकम बैक टू मेन सर्किल आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो उसके लिए आप घरेलू कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में आसानी हो आप आसानी से प्रेग्नेंट हो जाएं तो उसके लिए दो तीन जड़ी बूटियाँ बहुत ही अच्छी अच्छी होती हैं जो आपकी फ़र्टिलिटी को काफ़ी हद तक सुधारती हैं आपके एग क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं एग के साइज़ को इम्प्रूव करती हैं आपकी जो यूट्राइन लाइन होता है उसको सही करती हैं तो ये सभी चीज़ें सही करती हैं उसके साथ ही साथ आपका पीरियड सही होता है तो ये सभी चीज़ें जब सही सही हो जाती हैं तो प्रेगनेंट होने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है प्रेगनेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें सबसे पहला है अश्वगंधा अश्व गंधा एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी होती है तो ये फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है जो लोग प्रेग्नेंट हो चुकी हैं जो लोग बेबी डिलीवर कर चुकी हैं ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है तो आपको अश्वगंधा को किस तरह से लेना है आप रोज़ रात में आप एक ग्लास दूध आप डेली लें और उस दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर आप मिलाकर पी सकती हैं ज़्यादातर सभी को ये सूट करता है अगर इसको पीने से अगर आपको कोई एलर्जी हो रही है कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसको स्किप कर दे सकती हैं वरना ये ज़्यादातर लोगों को सूट करता है तो इसी तरह से आपको इसको रात में पीना है और उसके अलावा जो दूसरी जड़ी बूटी है वो है शतावरी शतावरी भी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और ये महिलाओं की फ़र्टिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है और इसका सेवन करने से आपका ओल्युशन भी सही टाइम पे होगा ओल्यूशन जब सही टाइम पे होता है तो उस टाइम में आप रिलेशन मेंटेन करती हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वरना जब बहुत सारे लोगों का ओल्यूशन सही टाइम पे नहीं होता उनको ये मालूम ही नहीं पड़ पाता है कि ओल्यूशन इस महीने किस दिन होगा तो फिर ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और वो महिलाएं जल्दी प्रेगनेंट नहीं हो पाती हैं तो इसलिए आप शतावरी का सेवन भी ज़रूर करें और उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है त्रिफला ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है जिसमें आंवला हरड, पहड़ा ये तीन चीज से मिलकर इसको बनाया जाता है और ये तीनों चीज़ आपके पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं इसका सेवन करने से आपका सबसे पहले आपका जो पाचन तंत्र है डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है स्ट्रॉन्ग होता है और इस वजह से जब आपका पेट सही रहेगा आपका कब्ज़ दूर करता है तो जब पेट सही रहेगा कब्ज़ दूर रहेगा तो आपका जो भी इंटरनल ऑर्गेन है वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे तो इसलिए त्रिफला का सेवन आप ज़रूर करें आप त्रिफला को सुबह खाली पेट भी ले सकती हैं और रात में भी आप सोते टाइम इसको एक गिलास गुनगुने पानी में आप इस पहले इस पाउडर को फाँक लीजिए फिर एक गिलास गुनगुना पानी आप ले लीजिए इससे सुबह आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा और जब आप इसको कंटिन्यू रखेंगी तो आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करेगा जिससे आपका पीरियड सही आएगा और उसके अलावा ये आपकी फ़र्टिलिटी को बढ़ाएगा अगर एक्स्ट्रा फ़ैट है तो उसको भी ये कम करेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका फ़ैट इतना बढ़ जाता है जिस जगह पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं शरीर में जहाँ पे ओवरी यूट्रे सब होता है वहाँ पे काफ़ी चर्बी इकट्ठा हो जाती है और इस वजह से कई बार प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो अगर आप त्रिफला का सेवन करती हैं तो ये आपके एक्स्ट्रा फैट को भी कम करेगा आप इसको आ, अगर आपका एक्स्ट्रा फैट है तो आप इसको सुबह के टाइम आप खाली पेट लीजिए और एक गिलास पानी पी लीजिए तो इस तरह से आप जब लगातार करेंगी तो आपका जो है पेट भी पूरी तरह से साफ होगा और धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होने लगेगा और आपका जो नॉर्मल वेट होना चाहिए वो आपका हो जाएगा तो भी आपको प्रेग्नेंट होने में आसानी होगी तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं इनको आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए तो आपकी जो इनफर्टिलिटी की समस्या है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी और इसके साथ ही साथ अपने खान पान को सुधार लीजिए इसके साथ ही साथ आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी ज़रूर करें वॉक ज़रूर करें तो ये सभी चीज़ें जब आप करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी प्रेगनेंट होने में